हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेज एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा एंड टूडेज अवर टॉपिक इज़ फिक्स कैपिटल एंड फैक्टर इफेक्टिंग फिक्स कैपिटल तो आज हम जानेंगे फिक्स कैपिटल क्या होता है और उस कौन से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे फिक्स कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं तो so, आइए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग क्या है फिक्स्ड कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच इज़ यूज फॉर बाइंग फिक्स्ड एसेट ये वो सारा कैपिटल है जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए जाते हैं और हमें जब जो भी पैसा हमने फिक्स्ड कैपिटल को परचेज़ करने के लिए लगाया है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल इट इज़ यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस क्योंकि इसका नाम ही फिक्स्ड है इसलिए हम ये पैसा इट मीन्स ये कैपिटल बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वी हैव परचेज लैंड फॉर यूजिंग अवर फॉर फॉर द प्रोडक्शन बिल्डिंग इक्विपमेंट फर्नीचर एक्सेट्रा फंडिंग कैन कम फ्राम इशू ऑफ़ शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड और ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट जब हमने बात किया कि हमने ये सब फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं लैंड परचेस किया बिल्डिंग परचेस की तो यहाँ पे सब परचेज करने के लिए हमें फ़ंड कहाँ से मिला इट मीन्स कहीं ना कहीं फ़िक्स्ड कैपिटल का जो पैसा आता है वो हमें मिलता है इशू ऑफ़ शेयर से या तो हमने शेयर्स इशू किए हैं या तो डिबेंचर्स सेल किए हैं या तो हमने बॉन्ड इशू किए हैं या तो हमने बैंक से लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया है इसलिए हमें फिक्स्ड कैपिटल मिल रहा है आइए देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस तो हमें यह देखना है कि हमारा बिजनेस किस नेचर का है अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है इट मीन्स वो बिजनेस जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का है तो हमें यहाँ पर बहुत सारे मशीनरीज की नीड पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की नीड पड़ेगी बिल्डिंग की नीड पड़ेगी तो यहाँ पर हमें हाई फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा वेयर एज अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है इट मीन्स हमारा बिज़नेस रिटेल बिजनेस और होलसेल बिजनेस जहाँ पर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पर इतने फिक्स्ड कैपिटल की नीड नहीं रहेगी सेकेंड पॉइंट इज दैट साइज एंड स्कोप ऑफ बिजनेस अगर हमारे बिजनेस का साइज लार्ज है और उसका स्कोप भी लार्ज है तो हम वहाँ हमें वहाँ पर फिक्स कैपिटल की नीड रहेगी वेयर एज अगर हमारे बिजनेस का साइज स्मॉल है तो हमें वहाँ पर फिक्स तो कैपिटल की नीड रहेगी थर्ड पॉइंट इज दैट लीज और परचेज एसेट यहाँ पे मैं आपको एक टर्म क्लियर करना चाहूँगी लीज का मतलब होता है रेंट अब यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हमें एसेट को परचेज करना है या लीज पे लेना है इफ बिजनेसमैन डिसाइड टू परचेज द एसेट तो उसे हाई फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा वेर आयस अगर उसने लीज पे लिया इट मीन्स उसने रेंट पे अगर कोई एसेट लिया है तो उसे फिक्स्ड कैपिटल लो लगेगा फोर्थ पॉइंट से इज दैट अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर हमने अपना काम किसी से आधे में हमारा कुछ काम कोई और करके दे रहा है मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और से काम करवाया तो या फिर हमने खुद ने पूरा काम किया होल थिंग्स बाय ओन अगर हम सब काम खुद से ही कर रहे हैं तो हमें हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेगी वेयर एज अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे लो फिक्सड कैपिटल की नीड रहेगी क्योंकि हमने दूसरों से काम कराया तो फिक्स कैपिटल की नीड नहीं है फिफ्थ पॉइंट सेज दैट एक्विजिशन ऑफ एसेट एक्विजिशन ऑफ एसेट मीन्स आप कौन, किस प्रकार के एसेट लेना चाहते हैं अगर आप न्यू एसेट परचेज कर रहे हैं तो आपके न्यू एसेट महंगे ही पड़ेंगे तो आपको हाई फिक्सड कैपिटल की नीड रहेगी वेर एज अगर आप ओल्ड एसेट या सेकेंड हैंड एसेट लेते हैं तो वहां पे लो फिक्स्ड कैपिटल की नीड रहेगी सिक्सथ पॉइंट से इज दैट च्वाइस ऑफ टेक्निक अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप किस प्रकार की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है वो फैक्ट्री वो इंडस्ट्री जहाँ पर हमने कैपिटल ज़्यादा लगाया है और लेबर कम लगाया है ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर कैपिटल इट मीन्स मशीन्स ज़्यादा लगी हुई हैं वहाँ पर हाई फिक्स कैपिटल की नीड रहेगी लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर मशीन्स नहीं लेबर काम कर रहे हैं उससे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव तो वहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की नीड कम रहेगी सेवेंथ पॉइंट सेज दैट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी जहाँ पर दो प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं एक होता है बूम और एक होता है रिसेशन बूम मीन्स तेजी का पीरियड रहता है और रिसेशन मीन्स मंदी का पीरियड अगर इकोनॉमी में तेजी है इट मीन्स बूम पीरियड है तो यहाँ पर लोग फिक्स्ड कैपिटल लगाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे इट मीन्स इट रिक्वायर हाई फिक्स्ड कैपिटल वेयर एज वेन द पीरियड देयर इज अ पीरियड ऑफ रिसेशन इट मीन्स मंदी का पीरियड है तो वहाँ पे कोई भी पैसा लगाना नहीं चाहेगा इट मीन्स पीपल आर यूजिंग लो फिक्स्ड कैपिटल एट पॉइंट से दैट पॉपुलेशन ट्रेंड भी है एक ऐसा पॉइंट जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट करती है अगर कंट्री में हाई पॉपुलेशन है देन देयर विल बी हाई डिमांड इफ पीपल विल डिमांड मोर तो हम कंपनी वाले क्या करेंगे दे विल ऑल्सो रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ फिक्सड कैपिटल एंड वाइस वर्सा इफ देयर इज लो पॉपुलेशन इन द कंट्री देयर विल बी लो डिमांड एंड लो फिक्स कैपिटल नेक्स्ट पॉइंट से इज दैट कंज्यूमर प्रिफ्रेंसेज इट मीन्स यहां पर हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि कंज्यूमर कैसे डिमांड कर रहा है अगर कंज्यूमर की डिमांड्स हाई है तो हमें हाई फिक्सड कैपिटल की नीड रहेगी वेयर एज अगर कंज्यूमर की डिमांड लो है किसी भी रीजन से तो हमें फिक्स्ड कैपिटल भी लो ही लगेगा टेंथ पॉइंट्स इज दैट कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स मीन्स हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे चेक करना है हायर इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स हायर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें भी हाई फिक्सड कैपिटल लगेगा क्योंकि हम भी उसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे क्योंकि हमें भी प्रॉफिट कमाना है वेयर एज अगर कोई भी कॉम्पिटिटर लो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम भी लो इन्वेस्टमेंट ही करेंगे तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेन फैक्टर्स जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट कर रहे हैं तो आपने आज जाना फिक्स्ड कैपिटल क्या है और ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक like कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू